नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। अपराध और अपराधियों की दुनिया एक ऐसी खतरनाक दुनिया है जहां पर आदमी चला तो जाता है लेकिन वापस आने के लिए उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। खलनायक सीरीज में आज हम एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में आपसे बताने जा रहे हैं जो जब पैदा हुआ तो माँ बाप ने प्यार से उसका नाम रखा विक्रम सिंह। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बाप का नाम रोशन करेगा और बेटे की वजह से पूरी दुनिया उसे जानेगी। बाप का सपना तो पूरा हुआ और उसके बेटे की वजह से पूरी दुनिया उसे जानने भी लगी, लेकिन वैसे नहीं जैसा उसने सोचा था, बल्कि एक खतरनाक गैंगस्टर के रूप में। क्योंकि जो बाप अपने बेटे का नाम प्यार से विक्रम सिंह रखा था, वही विक्रम सिंह बड़ा होकर पपला गुर्जर बन गया। और पपला गुर्जर बनने के बाद वो इतना खतरनाक हुआ कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में उसके नाम से दहशत फैल गई। जो अपने दुश्मनों को तो मौत के घाट उतारता ही था, लेकिन जो उसके खिलाफ गवाही देता उसे भी वो मौत के घाट उतार दिया करता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहलवानी के चाह रखने वाला विक्रम एक खतरनाक गैंगस्टर पपला गुर्जर बन गया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी अपराध को बढ़ावा या समर्थन देना नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। खतरनाक गैंगस्टर पपला गुर्जर की कहानी शुरू होती है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खरौली गांव से। हरियाणा के खरौली गांव के लड़कों को सेना में जाने का बेहद शौक है और पपला के पिता भी यही चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर सेना में जाए। पिता के सपने को पूरा करने के लिए विक्रम स्कूल की पढ़ाई खत्म कर फौज में भर्ती होने की तैयारी करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी इंसान की किस्मत में जो बनना लिखा होता है वही बनकर रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पपला के साथ भी यही हुआ। सेना में जाने की तैयारी करते करते पपला को अचानक पहलवानी का खुमार चढ़ गया और गांव में कुश्ती सिखाने वाले एक पहलवान शक्ति सिंह के पास पहलवानी सीखने लगा। लेकिन इसी दौरान उसके जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ आया और विक्रम गुर्जर ने एक प्रेम प्रसंग के मामले में संदीप फौजी नाम के एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पपला ने जिस संदीप की पिटाई की थी उसका पपला के गाँव की एक लड़की से अफेयर चल रहा था। पंचायत ने संदीप को लड़की से मिलने को मना किया लेकिन वो नहीं माना, तो विक्रम ने अपने गुरु शक्ति सिंह और साथियों के साथ उसे खूब पीटा। लेकिन इस मारपीट के कुछ दिनों के बाद उसके गुरु शक्ति सिंह की हत्या हो गई। गुरु की हत्या के बाद पपला को ऐसा धक्का लगा कि उसने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने की ठान ली और वो गुस्से में उबलने लगा। और कुछ ही समय बाद 2014 में संदीप फौजी और उसकी माँ, मामा और नाना की हत्या कर दी गई और आरोप विक्रम उर्फ पपला गुर्जर और उसके साथियों पर लगा, जिसके बाद उसे अवैध हथियारों के साथ साल 2016 में पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन सितंबर 2017 में पेशी पर ले जाते समय वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। फरार होने के बाद पपला पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। पुलिस उसे दिन रात खोज रही थी लेकिन पपला पुलिस के हाथ आने से तो दूर, उसका कहीं पता ठिकाना तक नहीं था। और फिर 2019 में पपला ने एक नेता जयराम गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए राजस्थान के अलवर के बहरोड पहुंचा। पुलिस को खबर मिली तो पपला को दबोच लिया गया। अब इस घटना के बाद पपला ने जो किया उसके बाद पूरे राजस्थान और हरियाणा में सिर्फ पपला गुर्जर पर ही चर्चा होने लगी, क्योंकि इधर पुलिस ने पपला को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद पपला की गैंग ने AK-47 जैसे हथियारों से लैस होकर बहरोड थाने पर हमला बोल दिया। थोड़ी देर में लॉकअप तोड़कर पपला गुर्गों के साथ फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन हाथ धोकर पपला के पीछे पड़ गई, लेकिन पपला गुर्जर पुलिस के हाथ 2 सालों तक नहीं आया और वो दूसरे राज्यों के शहरों में लगातार फरारी काटता रहा। और फिर एक दिन पपला की मुलाकात एक लड़की से हुई और वो दिन था 13 दिसंबर 2020, जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर की मार्शल आर्ट जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान पपला गुर्जर की मुलाकात जिम ट्रेनर जिया से हुई। पपला ने जिया को अपना नाम मानसिंह उर्फ उदय बताया। जिया उसकी ट्रेनर थी और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जिम में एक्सरसाइज करने के साथ साथ दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे की होने की योजना भी बनाने लगे। जिया ने मानसिंह उर्फ पपला को अपना जीवन का हर सच बता दिया था और दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध करने वाला अपराधी कितना बड़ा शातिर क्यों ना, उसे एक न एक दिन तो कानून के शिकंजे में आना ही पड़ता है। पपला गुर्जर जिया के साथ रिलेशनशिप में आराम से मौज की जिंदगी काट रहा था, सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। लेकिन इसी बीच आ गई वो काली रात जब पपला को तो पकड़ा गया लेकिन बेचारी जिया, जिसे ये तक नहीं पता था कि जिस आदमी के साथ वो पूरा जीवन बिताने की सोच रही थी वो कोई शरीफ आदमी नहीं है बल्कि वो एक खतरनाक गैंगस्टर है। वो तारीख थी 28 जनवरी 2021, जब पुलिस को इनपुट मिला कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है।
पुलिस ने रात में छापा मारकर पपला के साथ जिया को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस ने पपला के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अजीब बात यह है कि जब पपला पकड़ा गया तो उस रात जिया को पहली बार मालूम चला कि जिसे वो मान कहकर सम्मान देती थी असल में वो फरार इनामी मुजरिम है। पपला और जिया को 4 फरवरी 2021 को कोर्ट ने जेल भेज दिया। पपला की गर्लफ्रेंड जिया को तो 2 महीने 4 दिन जेल में सजा काटने के बाद जमानत हो गई क्योंकि कोर्ट ने यह मान लिया कि जिया निर्दोष है, लेकिन पपला आज भी जेल में सजा काट रहा है। वो राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में आजीवन सजा काट रहा है। पपला को लेकर पुलिस इतनी चुस्ती बरतती है कि उसके ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि जेल की चार दीवारी से पपला गुजर के रोने की आवाजें आती हैं। वो अपने पिता को फोन करके कई बार अपनी जान जाने के डर के बारे में बताता है। कहा तो ये भी जाता है कि पपला के बैरक में कोई दूसरा कैदी नहीं है, वो अकेला बैरक में दहाड़े मार मार कर रोता है। लेकिन इन सबसे हटकर देखा जाए तो पपला की दीवानगी भी लोगों के अंदर देखने को मिलती है। कई सारे लोग भी कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर पपला को कुछ हुआ तो राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजाती जाएगी। बहरहाल पपला गुजर अब आजीवन सजा काटेगा। पपला गुजर की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप पपला की गर्लफ्रेंड जिया के बारे में जानना चाहते हैं कि पपला के जेल जाने के बाद जिया का क्या हुआ तो कमेंट करके बताइएगा। हम अगली वीडियो जिया को लेकर जरूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और देखते रहिए BDF न्यूज। जय श्री महाकाल। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।